वेलकम टू सुमन हाउस वाइफ। आज हम करेंगे डीप नेक सूट की कटिंग बहुत इजी स्टेप के साथ, जो कि आपको बहुत पसंद आएंगे, इजी मेजरमेंट के साथ, जो कि आपको अच्छे से समझ आएगा। आइए तो कटिंग करना शुरू करते हैं। कपड़ा हमने लिया है 2.5 मीटर, जिसमें लॉन्ग कुर्ती बनेगी, सूट लॉन्ग बनेगा, स्लिप बनेगी पोनी। तो देखिए इस तरीके से कपड़ा दो फोल्ड में पहले फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरीके से, देखिए कपड़ा सीधा फोल्ड करना है, तिरछा कपड़ा नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से फिर फोल्ड कर लेंगे तो कपड़े के हो जाएंगे 4 फोल्ड। देखिए इस तरीके से, देखिए कपड़ा इक्वल कर लेंगे। आपको एक बार दिखा देते हैं, देखिए 4 फोल्ड हो चुके हैं। देखिए कपड़े के, देखिए कपड़ा चारों तरफ से इक्वल कर लेंगे, अच्छे से हाथ से फिनिशिंग कर लेंगे कपड़े में। और इस तरीके से देखिए शेप पट्टी से या चौक के निशान से ही कपड़े को पहले निशान लगा कर कैंची से कट कर देंगे, कपड़ा सीधा कर लेंगे। कपड़ा सीधा करना बहुत ज़रूरी है, इससे कपड़ा कटिंग करने में बहुत आसानी होती है। सबसे पहले देखेंगे सूट की लेंथ, जितनी आपकी लेंथ हो उसमें 3 इंच प्लस कर लें और लंबाई पर निशान लगा दें। देखिए जैसे कपड़े की, हमारे कपड़े की लेंथ है, सूट की लेंथ है 40 में 3 इंच प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा 43। अब रखेंगे देखिए तीरा रखेंगे 5.5, ऊपर 5.5 और नीचे रखेंगे 5। देखिए इस तरीके से, देखिए आर्मल रखेंगे 6.5। देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं, देखिए आर्मल में निशान लगा देंगे। देखिए इस तरीके से थोड़ा तिरछा निशान लगेगा, ये ऊपर 5.5 है, नीचे 5 है। इस तरीके से देखिए मार्किंग कर देंगे शेप पट्टी से। फ्रंट पार्ट के लिए लगाएंगे आर्मूल पर निशान 1/2 इंच का, बैक पार्ट में लगाएंगे 2 इंच का निशान, गोलाई देंगे 2 इंच की। देखिए बैक पार्ट में अब देखेंगे चेस्ट का मेजरमेंट, तो जितना आपका फिक्स नाप लें आप उसमें 3 इंच प्लस कर दें, 3 इंच की लूजिंग दे दें। जैसे हमारा नाप है 31 में 3 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 34 का आधा करेंगे तो आएगा 17 और 17 का आधा करेंगे तो आएगा 8.5। ये इसी मेजरमेंट से, चाहे हैवी साइज़ हो या कम साइज़ हो, इसी मेजरमेंट से चेस्ट का मेजरमेंट निकालते हैं। 8.5 पर निशान लगा देंगे, इंची टेप इस तरीके से रखेंगे, हिप पे निशान लगाएंगे 14 इंच पर और कमर पर निशान लगाएंगे 7 इंच पर। देखिए इस तरीके से अब देखते हैं कमर का कितना नाप है, तो कमर का नाप है 7.5 या 7। देखिए इस तरीके से, देखिए 7.5 है और हिप का नाप है 8.5। जैसे चेस्ट का मेज़रमेंट निकाला, इसी मेज़रमेंट से कमर और हिप का मेज़रमेंट भी निकालना है, चाहे कोई भी साइज़ हो। इस तरीके से निशान लगा देंगे फिटिंग पर, शेप फट्टी से या हाथ से या इंची टेप से भी लगा सकते हैं। अब लगाएंगे प्लेट्स का निशान, तो ऊपर से इंची टेप रखेंगे 10 इंच पे और इस तरफ से रखेंगे 3.5 पर। हैवी साइज़ हो तो 4 इंच पर रख सकते हैं। प्लेट्स की लंबाई लेंगे 7 इंच और इस तरीके से देखिए प्लेट्स की मार्किंग कर देंगे। देखिए इस तरीके से, देखिए अपने चारों पार्ट पर, मतलब 4 प्लेट्स के नाप लगेंगे तो इसी तरीके से आगे पीछे मार्किंग कर देंगे। सूट के पल्ले कितने चौड़े रखने हैं, तो 9 इंच पर निशान लगाएंगे, 9 इंच 9 हो गया 18, तो 18 इंच चौड़े रखने हैं पल्ले, तो 9 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से आप 2-2 इंच फालतू मार्जिन लेंगे, आप चाहें तो 1.5 इंच भी फालतू मार्जिन ले सकते हैं, 2.5 इंच भी, पर 2 परफेक्ट रहता है। इस तरीके से देखिए फालतू मार्जिन ले लेंगे, देखिए आप देख सकते हैं। देखिए अब कर देंगे सूट की कटिंग। आई होप आपको हमारे मेजरमेंट और सूट की कटिंग अच्छे से समझ आ रही होगी। देख इस तरीके से कटिंग कर देंगे सूट की, नीचे से भी कट कर देते हैं, कपड़ा सीधा कर लेते हैं, कट करके देखिए अलग कर देते हैं कपड़ा। एक बार प्लेट्स के निशान लगाने का तरीका देख लें, आगे पीछे प्लेट्स के निशान लगाने, तो देखिए इसी तरीके से, देखिए रखते हुए, उंगली रखते हुए प्लेट्स के निशान लगा देंगे। देखिए इस तरीके से, देखिए सूट कट के तैयार है। अब देखेंगे आर्मूल की कटिंग कर लेते हैं, फ्रंट आर्मूल की कटिंग कर लेते हैं, बैक आर्मूल की नहीं करेंगे कटिंग। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से फ्रंट आर्मूल की कटिंग कर लेंगे। जब सूट बन के तैयार होगा तो आर्मूल में कोई झोल नहीं आएगी। अब देखेंगे स्लिप कटिंग, तो स्लिप के लिए भी कपड़ा कम है, तो स्लिप में डालेंगे जॉइंट,
तो इस तरीके से देखिए, जितनी आपकी स्लिप की लंबाई रखनी हो उसमें 2 या 2.5 इंच प्लस करके लंबाई ले लें। देखिए स्लिप की इस तरीके से, देखिए आधा कपड़ा मोड़ेंगे, बाकी कपड़ा में लगाना है जॉइंट, कपड़ा सीधा कर लेंगे एक बार। देखिए इस तरीके से, देखिए अब दूसरे कपड़ा लेंगे जॉइंट रखने के लिए। तो देखिए कपड़ा छोटा कपड़ा तो है नहीं, तो बड़े कपड़े में से जॉइंट लगा लेंगे इस तरीके से। देखिए जॉइंट के 1/2 इंच ऊपर रखेंगे, कपड़े के 1/2 इंच ऊपर रखना है इस तरीके से। देखिए जब सिलाई करें तो परेशानी ना हो, फालतू कपड़ा इस तरीके से देखिए निशान लगा देंगे चौक से। बहुत आसान है चौक का निशान लगाना इस तरह। देखिए इस तरीके से भी निशान लगा सकते हैं। लंबाई देख लेते हैं, तो लंबाई चाहिए, फुल लंबाई चाहिए। जैसे स्लिप की लंबाई है 15 में 2 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 17 पे कटिंग कर लेंगे। देखिए स्लिप की लंबाई की, और आर्म होल रखनी है 9। एक बार आप देख लीजिए, देखिए इस तरीके से, देखिए साइड से 2.5 इंच डाउन करने हैं इस तरीके से। देखिए स्लिप की गोलाई देख लेंगे, हाथ की कितनी गोलाई है आपकी, उसमें 2 इंच प्लस करके इस तरीके से देखिए मार्किंग कर लेंगे। 2 से 2.5 इंच प्लस कर सकते हैं, 2.5 इंच ज़्यादा हो जाएगा। और इस तरीके से देखिए स्लिप की भी कटिंग कितनी आसानी से हो जाएगी। देखिए स्लिप की कटिंग हो चुकी है, जब हम जॉइंट कर लेंगे तो फ्रंट आर्मूल में कपड़ा कट कर लेंगे बाद में। देखिए इस तरीके से, देखिए फ्रंट आर्मूल से कपड़ा कटिंग कर देंगे। आई होप आपको हमारे सूट की कटिंग पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर।